हम लोगों को यहाँ बहुत तकलीफ होती है, लाइटिंग जाते हैं बाहर मैदान में बहुत लोग आते हैं, जैसे मतलब हम लोगों को लाइटिंग चाहिए, हमारे गांव को रोड बनवा दे बस। इतना महंगा है पौआ खाड़ रहा है तो पूरा परिवार को नहीं हुआ, हमका सबको एकदम फकीर बना दिए। झूठी सरकार कौन सी लगती है, पहले वाली कांग्रेस की या फिर अभी की नरेंद्र मोदी की? थरहा छुड़वा दें, लीलगा छुड़वा दें, तार ना लगावे, रात भर हुआ हुआ ना करें, बेचारे नौकरी ना करें तो 4 किलो अनाज ना पावे, और वही 2000 रुपया घुरावत है, वही कहीं राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री का आज का राशन थोड़ी है, राशन तो बहुत पहले का। मोदी जी कहते हैं सबका साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, चोर है झूठ बोलता है वो। रायबरेली के हम उस गांव में हैं जहां पर विकास पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ देता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर विकास पहुंचते पहुंचते पंगुल हो गया है और यहां पहुंच ही नहीं पाया। ना अच्छी सड़क है, ना ही अच्छी व्यवस्था कोई। हम सामने की भी तस्वीरें दिखाएंगे, यहां पर ये पूरी दलित बस्ती है, सभी लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो दिन भर का कमाते हैं, जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं, उसके बाद में जो कुछ बचता है बच्चों की पढ़ाई, घर परिवार की दवाई से उसके बाद में घर बनवाना अपना शुरू करते हैं। और देखिए ये कई सालों से ऐसे ही बन रहा है, क्या करें, मजदूरी ठीक से मिल नहीं रही है। इनसे हम सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम सारी महिलाएं हैं हमारे साथ में, कि आखिरकार इन्हें क्या क्या समस्या आती है। एक बड़ी बात कही जाती है कि मर्दों के हिस्से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन वो जिम्मेदारियां जो महिलाओं के हिस्से में होती है, जो महिलाओं की तकलीफें होती हैं, उसकी बात कोई नहीं करता है। सरकार दावे तो बहुत करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला उत्थान की बात करती है, लेकिन महिलाओं की हालत देखेंगे आप तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और सिर्फ इसी जगह नहीं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप बखूबी जानते होंगे, मुझे बताने की या चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि इस सरकार में या पिछली सरकार में किस सरकार में किसको कितना फायदा मिला और कौन सी सरकार जुमलेबाजी करती है और कौन सी अपनी बातों पर खरी उतरती है। बहरहाल हम शुरुआत आपसे ही करते हैं। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितने वायदे किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्या उतनी सुविधाएं आप लोगों को मिली है? कुछ नहीं ना सुविधा भैया, कौनो सुविधा नहीं ना है, हमका सबको एकदम फकीर बना दिए ने। कौन सुधा खेत चरवा गोरु ढील ढील के, रात भर खेती तो आ गए तो पौआ पसार मिले और नहीं वही ना मिले। अच्छा ये बताइए, मान लो घर में कोई मेहमान आ जाता है तो पूरी कचौड़ी बड़ी आसानी से बन जाती है या? अरे हमारे भैया पूरी सब्जी जो ना है कि तेल इतना महंगा है, पौआ खा रहा है तो पूरे परिवार को नहीं हुआ। और घर में देखिए गर्मी है, इस बार तो पहले ही आ गई, समय से पहले गर्मी आ गई, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो अस्पतालों की हालत क्या है भैया? गर्मी पड़ जाए चला अस्पताल में पियल दिया, पैसा ना रहे मर जाए वही में। हाँ भाई और का। अच्छा आमदनी कैसे होती है, मतलब घर में कौन कमाता है? देखो भैया कमाती तो जौन मंजूरी वही पावा थी, 100 पावे की 50 पावे। तो जो 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने दिया था आपके घर में किसी को नहीं मिला? कुछ हमका सबका नहीं मिलता भैया, खेते का पैसा कुछ नहीं मिला तुला, या फालतू हमका खेते होते पैसा नहीं मिलता, विधवा पैसा का नहीं मिलता है, कोई हाल पूछने वाला नहीं। प्रधानमंत्री के लगे जाए तो कोई सुनता ही नहीं ना। भरोसा किस नेता पर है, नरेंद्र मोदी पर या राहुल गांधी पर? अरे साहेब अब जब जाऊ ना सरकार वही का भरोसा, अब क्या करें, कोई का कह दिए की भरोसा। कांग्रेस की सरकार जब थी तब आप लोगों का हाल कोई पूछता था, सुख सुविधाएं मिली थी? अरे अब सब साहेब यही तरह हम सब कमात खात रहे, कौन बताए सुविधान पढ़मा नहीं, अब तरह थोड़ा जांच पड़ताल के हुआ होता करे, पहले कौन जांच पड़ताल नहीं रहता रहे। अच्छा झूठी सरकार कौन सी लगती है, पहले वाली कांग्रेस की या फिर अभी की नरेंद्र मोदी की? अरे नरेंद्र सरकार तो सब करे है बढ़िया, अच्छा से करे, जब ये नहीं ना पहुँच पहुँच तो क्या करे भाई? मोदी सरकार तो अच्छा काम करे। क्या क्या अच्छा काम किया? सबका राशन पानी खवाता है गरीब मन, मतलब आपके बेटे के लिए नौकरी से ज्यादा शिक्षा से ज्यादा राशन जरूरी है 5 किलो? अरे साहब नौकरी चौकारी रही, अब जो पौआ पसेर दिया तो कहा कही, अब जो सब दुनिया बाद वही हम सब पाई थे इनके पीछे। और कौन सुन यहाँ पर सभी लोग मजदूरी करते हैं? मजदूरी साहब कितनी दिहाड़ी मिलती है? 200-250। अब अंतजा साहब तो 300। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दुगना कर देंगे, 400 रुपए देंगे। जहाँ जैन हो जाए साहब का अब या कहना रहा है, समय हो जाए। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते, इधर भी कुछ महिलाएं हैं, बताइए दादी किस सरकार पर भरोसा है, कौन आना चाहिए सत्ता में? हमको बदलना चाहिए, राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी बहुत पहले थे, ये जो सड़क का पुल है वो उन्हीं की देन है। तो इस सरकार में कुछ नहीं मिला? ये सरकार में क्या मिला, वही मिला हरहा छोड़वा हरहा छुड़वा दें, लीलगा छुड़वा दें, तार ना लगावे, रात भर हुआ हुआ ना करें, बेचारे नौकरी ना करें तो 4 किलो अनाज ना पावे, और वही 2000 रुपया घुरावत है, वही कहीं राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री का आज का राशन थोड़ी है, राशन तो बहुत पहले का, राजू गांधी के भी जमाने में राशन था, सबका नहीं था, गरीबों का था, अब तो आम हो गया और रहा पुराना।
तो कौन आना चाहिए सत्ता में, फिर से यही आनी चाहिए कांग्रेस? नया आना चाहिए, नया आना चाहिए। मोदी जी के बारे में क्या सोचती हैं? मोदी जी के बारे में बहुत कमाएं बहुत खाएं, एक दैया बैठे जब ये ना करिए तो देखा जाए अब की तो यही आवे। आपने कहा बहुत कमाएं बहुत खाएं, बहुत कमाएं मतलब देश लूटने से जो तमाम लोग आरोप लगाते हैं वो मतलब है आपका? जी बहुत कमावे खाब है, यही से बन गए सब चीज बेच खोज के का रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो वही है जो बसर करिए जो बनावा बनी बनाई है। लेकिन सब लोग तो कहते हैं कि सड़कें सबसे अच्छी बनी है, सबको घर मिल गया। तो नहीं बनी, अंत बनी हुई बनी हुई। हमारे यहाँ जी जी आ जाइए, इधर आ जाइए आप। क्या क्या समस्याएं हैं? अरे भैया सड़क तो इतनी बेकार है, रोज गाड़ी पंचर हो जाती है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है सरकार, क्या लगता है कि अभी भी भेदभाव है दलितों के साथ, आज भी भेदभाव किया जाता है? हाँ करा थी भैया का, हम लोग का नौकरी मिलते नहीं ना, आगे वाले का बड़े लोग का मिल जाता है और नीच जात का नीचे रखा था। मतलब अभी भी नीच देखते हैं कि हाँ ये लोग छुआछूत और सारी भेदभाव देखते हैं। आपके घर कोई ब्राह्मण आकर पानी पीता है? नहीं पीता है, कभी पी लेता है जो कोई जानता है, जब कोई नहीं पीता, जो कोई जानता है वो पी लेता है, जो भेदभाव मानता है वो नहीं। मतलब अभी भी भेदभाव का शिकार हो रहे हैं लोग जी। और क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? अब बदलाव होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए भैया जी बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो हम जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम 1,00,000 देंगे। बढ़िया बात है, फिर तो इन्हीं के पंचवर्षीय होनी चाहिए जी। क्या क्या चाहती हैं दादी आप? हम तो यही चाहते हैं कि गरीब है किसी तरह जिंदगी पार हो मिले, देते हैं तो अच्छे हैं वही हो। अच्छा महिलाओं को 1,00,000 देंगे तो समझ लीजिए कि 8,500 रुपए की नौकरी लग गई आप लोगों की। देखो तो झोपड़पट्टी आपका ही घर है? हमारा ही है। आवास भी नहीं मिला? आवास बहुत पहले मिला है, वो एक पुराना 20 फुट के, उसमें क्या होता है, फिर वैसा क्वेश्चन हो गया। चले और भी महिलाएं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या दादी क्या लगता है, ये सरकार रहनी चाहिए या राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए? राहुल गांधी की आनी चाहिए। क्यों राहुल गांधी पसंद है? अरे अच्छे लगेंगे, सब कह रहे हैं और कब आई बढ़िया है। भरोसा किस पर है, कौन काम काज करे? अरे राहुल गांधी का दी भरोसा, जेका का दी नहीं काम है भाई, भरोसा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मजदूरी बढ़ा दी जाएगी, 400 कर दी जाएगी, बढ़ा दी बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़ जानी चाहिए। और भी इधर देखिए महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या भाभी क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार से जो सर अभी बताए, कौन सी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी सर हमें सबके घर में बूढ़ बुढ़ापा आदमी, एक शौचालय तक तो मिला नहीं ना, बुढ़ापा आदमी बाहर मैदान में शौचालय कराने जाना पड़ता है। मोदी सरकार तो दावा करती है घर घर शौचालय बन गया। हमें सबके यहाँ सर मिले नहीं तो कहा जाने के हम देखेंगे, हमें सबके यहाँ देख लो बूढ़ मातारी आंखी दीदा दिखा दी बाहर शौचालय ले जाना पड़ता है सर। हाँ इसके लिए सर बदल दो, हर एक जगह बन गया यहाँ तो पूरे जिले में बन गई लैट्रिन, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। तो आपके गाँव को क्यों छोड़ दिया गया? पता नहीं, ये तो हाँ यहाँ के नेताओं की वजह से छोड़ दिया गया है। मतलब जानबूझ के छोड़ा गया? यस जानबूझ। आप लोग दलित हैं इसलिए? यस। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी आएंगे तो बदलाव होगा? यस राहुल गांधी आ जाए तो ठीक रहेगा, हम लोगों को यहाँ बहुत तकलीफ होती है, लाइटिंग जाते हैं बाहर मैदान में बहुत लोग आते हैं, मतलब हम लोगों को लाइटिंग चाहिए, हमारे गाँव को रोड बनवा दे बस। लेकिन भाजपा सरकार तो दावा करती है कि अब हर गाँव में इज्जत घर बन गया है, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ हम लोगों को जाना पड़ता है, यहाँ सब झूठा है, यहाँ कुछ नहीं बना। तो बीजेपी के जो नेता बोलते हैं वो सब झूठ बोलते हैं? यहाँ सब झूठ बोलते हैं, बघौला के अंदर कुछ भी नहीं है। तो किस पर भरोसा है? हमें तो राहुल गांधी पे भरोसा है। राहुल गांधी पे? यस राहुल गांधी को जाने दो। तो और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या दादा तमाम सारी महिलाएं जो है कह रही हैं शौचालय नहीं मिला है, सड़क यहाँ नहीं आ रही है, कोई काम काज नहीं हुआ, अस्पतालों की हालत खराब है। सर आप देख ही रहे हैं कि सड़क इस अभी जाएंगे वहाँ पर जाकर गाड़ियाँ गिर जाती है, आदमी गिर जाता है। इसमें क्या हमारी कांग्रेस पहले थी उसकी परंपरा बात थी, अच्छा काम किया, जो भी था 50 पैसे काट के मिलते थे राशन कार्ड के, तो उनकी सरकार थी। अब कहा है, अब तो दुनिया बाकी कहेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर शौचालय बन गया, घर घर जल पहुंच गया है, बिजली पहुंच गई है, सड़क पहुंच गई है। साहब जाए तो बड़का के जाए, बड़कवा में जहाँ सब कुछ हो छटका का नहीं मिलता कुछ, सब सच जितना है जो भी काम है बड़े का ज्यादा हुआ छोटो। मोदी जी कहते हैं सबका साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। चोर है, झूठ बोलता है वो, चोर है और क्या चुराया है, क्या सब जनता को लूट खाया और क्या है, अब क्या रह गया? आपकी भी जेब कटी? हमारी जेब कटी है, हमारा सब धन लूट रहे हैं, अब जो कुछ है खेती बाड़ी सब कुछ लूट लिया, बैठे मुख्यमंत्री वहाँ आराम से। कौन सरकार हमें सुविधा दे रही है? हमारी कांग्रेस ही थी, आज से 50 साल पहले 50 पैसे काट था, सब कुछ मिलता था, चीनी मिलती थी, गेहूँ मिलता था, जो कुछ मिलता था पहले मिलता था। हमारे आए गांधी क्या नाम संजय गांधी पुल बना गए। योगी जी कहते हैं कि हमारे शासन काल में माफिया थर थर कांपते हैं। हाँ तो कांपेंगे भाई, माफिया वाले बड़े हैं तो उनके काप
बोलते हैं जी, छोटे आदमी कहाँ बोल पाएगा। कह रहे हैं कि पहले गरीबों को दबाया जाता था पिछली सरकारों में, आप कह रहे हैं कि गरीबों का उत्थान किया जाता था, सुनवाई होती थी। अब कुछ नहीं है, सब वही है, मिल भक्त है, कहीं कुछ नहीं है गरीब आदमी के लिए, कुछ नहीं समझे। देखिए यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं, ये बताइए किस सरकार पर भरोसा है। अभी देखिए राहुल गांधी अपनी गारंटी पेश कर रहे हैं, मोदी जी गारंटी पेश कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी में आप सबको 5 किलो राशन मिलेगा, वहीं राहुल गांधी की जो गारंटी है उसमें आप सबकी मजदूरी 400 रुपये कर दी जाएगी, महिलाओं को 1 लाख रुपये मिलेंगे सालाना। वो तो बात सही है, पर रोड रोड सही अच्छा हो जाए तो बाकी सही है। ना लैट्रिन बाथरूम बन रहा है, ना कॉलोनी सलोनी की गरीबियन के आ रहे, जिसका बना है उसी का आ रहा है, जिसे गरीबियन का तो एकदम से लूट खाए हैं। गरीबी तो आना चाहिए, मतलब पैसे वाले के हाथ और पैसा लग रहा है। हाँ, गरीबियन का कोई सुनता नहीं है, प्रधान तो अभी नहीं सुनता। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान तो कह रहे हैं कि गरीबियन का देखता नहीं है, अमीरों को देखता है। अच्छा, आवाज जब किसी को मिला है उसके लिए पैसा लेते हैं जी? लेते हैं। कितना? 20-25 हजार लेते हैं। 20-25 हजार रुपए? तब कॉलोनी देते, नहीं तो कॉलोनी नहीं। शौचालय गांव में किसी का बना ही नहीं है? नहीं सर। हाँ। किसी का नहीं बना है। हाँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे शौचालय है। शौचालय भी है, रोडो भी बन जाए, कॉलोनी सलोनी भी आ जाए, अच्छी बात है। हाँ। हम लोग गरीब मने कमाएंगे नहीं तो खाएंगे, बताओ। तो बैनरों पोस्टरों में बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार को यहाँ पर एक बार आना चाहिए, या सांसद जी को अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए कि यहाँ पर आए और वो देखे कि आखिरकार शौचालय कहाँ पर बना हुआ है। और मैं कहता हूँ कि वो आए और इस गाँव में जहाँ कहीं भी शौचालय का लाभ दिया गया है वो फोटो तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर डालें और दिखाएं कि आखिरकार इन ग्रामीणों को, यहाँ की महिलाओं को क्या क्या सुख सुविधाएं मिली है। जैसा कि चाचा की नाराजगी थी अभी और तमाम जितनी महिलाएं मिली हैं उनकी सबकी नाराजगी है, एक आध दो को छोड़ करके बाकी सभी लोग जो यहाँ पर है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, हताश दिखाई दे रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो का जो समापन करूँ उसी के साथ करूँ, क्योंकि यहाँ की जो हकीकत है बिल्कुल फिट बैठती है आदम गुंडवी की उस लाइन पर कि तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप फाइलों में तो चढ़ा देते हैं कि हाँ भारत के कोने कोने तक सारी सुख सुविधाएं हमारी सरकार में पहुंच गई हैं, लेकिन ना आ पाते हैं कभी और ना ही कभी आपके नेता मंत्री आते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, कोई भी इनकी सुध नहीं लेता। क्या इस वजह से कि ये दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और ये ऐसे ही रहेंगे? क्या हुआ आपके उस बात का, आपके उस दावे का जिसमें आप कहते हुए नजर आते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? आप जितने भी लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि सबका साथ लेकर आप नहीं चले हैं और शायद आपने सभी का विकास नहीं किया है, यही वजह है कि इन सभी लोगों को आप पर विश्वास नहीं रहा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।